भाजपा ने अपने प्रत्याशी गजेंद्र यादव का चुनाव शंखनाद करते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग शहर विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नवरात्र के पहले दिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के बीच अपनी प्रमुख बातें रखी। बता दें कि भाजपा दुर्ग शहर प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार की रीति नीति पर निशाना लगाते हुए शहर में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं शहर की जनता को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ा, ये भी बताया। इसके साथ ही अभी तक कांग्रेस के द्वारा घोषित नहीं किए प्रत्याशी अरुण वोरा पर परिवार का आरोप लगाते हुए जनता के बीच अपना वोट मांग जनसंपर्क किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि शहर की जनता का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। अब शहर को कांग्रेस विधायक से मुक्ति दिलाने शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। साथ ही कहा कि दुर्ग में कांग्रेस को तोड़ने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता पुरजोशी से कार्य करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी। भक्ति एवं शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर्व के एकम की आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको जगत जननी माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, दुर्ग शहरवासियों को मिले, छत्तीसगढ़ की जनता को मिले और सबके कल्याण का कार्य हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार भक्ति और शक्ति की आराधना करते हैं उसका आज एकम में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन थोड़ी देर में हम करने वाले हैं और आज ही के दिन से हम अपनी चुनाव कार्य पद्धति को प्रारंभ करेंगे। गजेंद्र यादव एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तीन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे या कौन से आपकी ऐसी रणनीति रहेगी जिससे जनता स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार से उब गई है। एक ही परिवार का पिछले 53 साल से कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार कांग्रेसियों के मन में भी है कि एक बार बदलाव की आवश्यकता है, एक नया चेहरा की आवश्यकता है और पूरे शहर में जो भारी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, नशाखोरी, चोरी, डकैती, इसके खिलाफ हम सब चुनाव लड़ने वाले हैं। गुटबाजी नहीं है, चुनाव पहले तक हर कार्यकर्ता अपने अपने टिकट मांगता है तथा, लेकिन मुझे कहीं ऐसा दिखता नहीं है। सबका प्रेम मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है। पूरा यादव, साहू, देवांगन, कुर्मी, सतनामी, पूरत, जैन, व्यापारी, बहुत सारे समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रत्याशी है, है आगे बोलिए। बात नहीं है, स्थानीय चुनाव, छोटा चुनाव अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। है सिर्फ कागजों में विकास है, समाचार में ही विकास है, पोस्टरों में विकास है। पूरे किसी भी वार्ड में कहीं कोई काम नहीं है, घोषणा भर हुआ है। एक वार्ड में विधायक जी एक समाज को 20-20, 40-40 लाख की घोषणा की है। कहीं किसी समाज को कोई पैसा सामाजिक भवन नहीं दिया गया। पूरे विधानसभा में 4 करोड़ की विधायक निधि आती है और 24 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव हर बार दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी जो विधायक निधि पैसा बांटने वाले अधिकारी आज तक कंफ्यूजन में है कि विधायक 24 करोड़ का जो पत्र दिए हैं हम किसको पूरा करें और किसको ना करें। पता नहीं करूँगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, 12 मोहल्ला में रहने वाला हूँ, मैं लोगों की समस्या जानता हूँ, मुझे किसी की समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की बात मैं जानता हूँ, लोगों क्या आवश्यकता है और बेवजह अपन घोषणा कभी नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा जो दुर्ग 125 साल बन गया, दुर्ग का एक ऐतिहासिक महत्व है। आज वो महत्व कहीं ना कहीं कुछ कमी से घट रहा है। वापस हम पुराने दुर्ग को अपने पुराने क्षेत्र में पुनरुद्धार करें। फॉर एग्जांपल, एक समय में जब मध्य प्रदेश का मैं पार्षद, उस समय जब पार्षद था तो तत्कालीन कलेक्टर साहब का कहना था कि इंदौर के बाद सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम है तो वो हमारा दुर्ग का स्टेडियम है। आप सब जानते हैं जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था तो सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जी यहाँ क्रिकेट खेलने आए हुए थे, टूर्नामेंट खेलने आए थे। आज वो स्टेडियम की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ के खिलाड़ी बच्चों के लिए हम एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़ सके। पार्किंग की व्यवस्था बहुत समस्या है जिसके कारण हमारा बाजार आज सिमटते जा रहा है, लोग अन्यत्र जगह जा रहे हैं। पार्किंग समस्या को हम दुरुस्त करेंगे और लोगों की मांग के अनुसार हम काम करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।